अस्सलाम वालेकुम, इकबाल एडवोकेट हियर फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है, कैन सब रजिस्ट्रार कैंसल दी सेल डीड या रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स? क्या रजिस्ट्रार सेल डीड और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कैंसिल कर सकता है? ये हमारा आज का लीगल लेक्चर है। देखिए, सेल डीड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत जो रजिस्टर्ड होती है या रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, या रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कौन है, रजिस्ट्रार, उसको क्या सेट असाइड कर सकता है, क्या उसको कैंसिल कर सकता है, या वो रजिस्ट्रेशन जो किसी फ्रॉड के जरिए हासिल की गई हो तो क्या रजिस्ट्रार उसको कैंसिल कर सकता है? देखिए, याद रखें, रजिस्ट्रार जब रजिस्ट्रेशन करता है तो उसका फंक्शन प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव होता है और ना के क्वासी जुडिशल होता है। उस पर रूलिंग भी है AIR 1990 मद्रास हाई कोर्ट पेज है 251। एक दफा सेल डीड जब रजिस्टर्ड हो जाती है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास, यानी रजिस्ट्रार के पास कोई ऐसी पावर्स नहीं है रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कि उसकी रजिस्ट्रेशन को वो कैंसिल कर सके। हत्या कि अगर फ्रॉड से भी कोई रजिस्ट्रेशन हासिल की गई है तो वो उसको भी कैंसिल नहीं कर सकता। रजिस्ट्रार पार्टी के हकूक का तायुन नहीं कर सकता और ना ही वो एग्जामिन कर सकता है कि ये लीगल तरीके से हुआ या इलीगल तरीके से हुआ। अगर रजिस्ट्रार के कागजात गैर कानूनी हैं या फिर रजिस्ट्रेशन की इरेगुलरिटी है तो सिर्फ सिविल कोर्ट को अख्तियार है कि उसमें चैलेंज कर सकते हैं और सिविल कोर्ट उसको कैंसिल कर सकती है। सेक्शन 35 रजिस्ट्रेशन एक्ट अथॉरिटी को जो पावर्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देता है, उसको क्वासी जुडिशियल पावर्स नहीं है रजिस्ट्रार के पास कि किसी भी चीज को वो कैंसिल कर सके। रजिस्ट्रार के जो रोल है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन की हद तक है। जो एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाता है उसका रोल जो है वो खत्म होता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट में एक्सप्रेसली तौर पर कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं है कि रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने के बाद कैंसिल कर सके। एक दफा रजिस्टर्ड हो जाए डॉक्यूमेंट्स, दोबारा रजिस्ट्रार उसको रीओपन कर ही नहीं सकता। जब रजिस्ट्रेशन एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन ही मौजूद नहीं है तो फिर वो रजिस्ट्रार के पास ये पावर नहीं है कि उसको कैंसिल कर सके। रजिस्ट्रार ना तो सेक्शन 82 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसके पावर है कि, और ना ही सेक्शन 21 जनरल क्लाज एक्ट के तहत ये पावर्स है कि उसकी कोई कैंसलेशन कर सके या उन डॉक्यूमेंट को रीओपन कर सके। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रार को ये पावर भी नहीं है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू के लिए कोई इंक्वायरी हेल्ड करे। एक दफा उसके रजिस्ट्रेशन कर दी फिर वो इंक्वायरी हेल्ड भी नहीं कर सकता और ना ही डेफिशिएंट स्टैंप ड्यूटी के लिए एग्जीक्यूटेड को दोबारा कॉल कर सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि क्या रजिस्ट्रार रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कैंसिल करने का अख्तियार रखता है कि नहीं। इसके साथ इजाजत, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।